हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है अच्छे होंगे। और इस समय मैं हूँ अपनी रसोई में, और इस समय बज रहे हैं रात के 10। इस समय मैं काम कर रही हूँ, चाय बना रही हूँ। देखिए, ये दूध गर्म हो रहा है, ये चाय बन रही है, ये मन्नू की शीशी बन रही है, और ये मन्नू ने खाना नहीं खाया, ये बच गया है, वो रखा है। और हम कर रहे हैं काम, थोड़ा सा हल्का फुल्का। तो अब हो रहा है ये हल्का फुल्का मेरा काम। तो ये सब काम करने के साथ साथ मुझे करनी है शिवरात्रि की थोड़ी सी तैयारी। भांग घुटेगी, पीनी हो तो आ जाइए। गैस पे मैं कर रही हूँ पानी गरम। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द, तो दर्द की वजह से मैं अब ये पानी गर्म कर रही हूँ, और चाय भी खोल खोल के पागल हो गई है, इसे बंद कर देती हूँ। और पानी गर्म करने के बाद मैं होम्योपैथिक की दवाई लूँगी अपनी। मैं होम्योपैथिक की दवाई खाती हूँ ज़्यादातर, अंग्रेजी दवाई नहीं खाती। मेरे दिल में दर्द हो जाता है ज़्यादा, वैसी दवाई खाने से गैस बहुत ज़्यादा बनती है, वो दिल पर प्रेशर देती है। तो फ्रेंड, हम काम करते करते आ गए हैं यहाँ आप लोगों से बात करने के लिए। देखिए, मैंने कुछ ड्रेस बनाई थी भगवान की ना, जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। अब कुछ और बनाई है अभी, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये राधा जी का गाउन टाइप है, ये उसकी चुनरी है, और ये राधा जी के साथ कृष्ण होते हैं ना, ये उनका है। ये देख रहे हैं आप, धोती, और ये ब्लाउज है, ये उनके ऊपर बांधने का। और ये है कान्हा जी का एक ड्रेस, ये है देवी माता का लहंगा, ये भी देवी माता का लहंगा है। ये सब मैंने और तैयार किए हैं, तो होली पे सफ़ेद पहनाएंगे हम लोग, तो इसलिए मैंने ये सफ़ेद तैयार किए हैं। और फ्रेंड, कल है शिवरात्रि। आप सब कैसे शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं? उम्मीद है आप सब लोग भी व्रत रखेंगे, ज़्यादातर तो सब रखते ही हैं शिवरात्रि का व्रत। फ्रेंड, काम बहुत ज़्यादा पड़ रहा है आजकल, बहुत काम का लोड बढ़ा हुआ है। ये तीज त्यौहार या घर में कोई फंक्शन, तो इन पर काम बहुत बढ़ जाता है। मेरे पैरों की देखिए कितनी बुरी हालत है, दोनों पैर मेरे ये सूज गए हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, ये दोनों पैर मेरे ये स्टॉपर पहन रखे पैरों, पैर फूल गए मेरे। आप लोग सोच रहे हैं आज मैं रात में वीडियो भी बना रही हूँ। मैंने सोचा, हर बार तो दिन में बात करते हैं, मैंने कि आज चलो रात में फुर्सत में बात करेंगे। आज दिन में टाइम नहीं लगा, जो सामान रह गया था वो और लेके आई हूँ अपनी बिटिया के लिए। तो मैं उसके कान के नन्हे से बुलाई हूँ, झुमके से है वो लाई हूँ, और बच्ची की पाजे बुलाई हूँ बड़ी प्यारी सी, अभी दिखाऊँगी मैं आप लोगों को, तो वो देखिएगा। और एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो देखिएगा आप लोग। और भैया, आज तो थकावट के अलावा कुछ नहीं है, शरीर जो है जवाब दे जाता है एक टाइम के बाद, बस क्या बताएं आप लोगों को। और ये देखिए, छोटे छोटे तोहफे, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इंसान की, जो ऐसे मौका पर दिए लिए जाते हैं। तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। ये देखिए कैसा लग रहा है कान में। और ये देखिए, ये चंदा सूरज, ये इस तरह से ये तैयारी की हमने। ये सब देखिए। उसके बाद चलिए हम चलते हैं किचन में, और अब बनाते हैं कुछ। तो ये मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, और अब मैं बनाने जा रही हूँ चने। चने हम बनाएंगे दो तरीके के, रस्से के और खुशक। तो रस्से के चने बनाने बिना हल्दी के बनाऊंगी आज मैं। ये देखिए, मैंने इसमें जीरा, अजवाइन और धनिया डाल दिया है, और राई भी डाली है थोड़ी सी। राई से स्वाद आ जाता है, टेस्ट पड़ता है। ये मैंने इसमें डाल दिया प्याज। प्याज को हम थोड़ी देर भूनते रहेंगे,
और जब प्याज हमारी थोड़ी भुन जाएगी तो उसके बाद हम उस प्याज में जितनी प्याज है उससे कहीं ज़्यादा टमाटर मिलाएंगे। तो टमाटर भी पेस्ट करके रख लिए मैंने, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज को भुनने के बाद ज़्यादा प्याज है इस वजह से इसमें देने लगी धनिया, टमाटर और ये मेरे मसाले हैं। देखिए ये मैंने चना मसाला, खटाई, गरम मसाला, मिर्ची, लाल मिर्च, हरी मिर्च और ये अदरक और लहसुन ले लिया है। ये मैं अब इसमें डालने जा रही हूँ। पहले मैंने इसमें डाल दिए टमाटर, और जब ये टमाटर खूब भुन जाएंगे तो उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी मसाले। बिना पानी डाले मसाले डाल के मैं इसे खूब भूनूंगी। इसमें अगर कढ़ाई में मसाला डालते समय, लोहे की कढ़ाई है ये, इसमें मसाला भूनते समय अगर गरम मसाला साथ में डाल दो तो काफ़ी चाय की पत्ती डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कालापन आ जाता है इसमें। मसाला हमारा भुन रहा है और ये भुन के होने लगा है थोड़ा थोड़ा तैयार। जब मसाला भुन जाता है तो इसमें चिकनाई ऊपर आ जाती है, देखिए इस तरह से। तो ये मसाले को तैयार करते करते अब हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले, प्याज और टमाटर का वो पेस्ट तैयार किया है। तो इसमें अब ये जो मसाले हैं ये मैं ऐड कर रही हूँ, ये देखिए सारे मसाले डाल देंगे हमें इसके अंदर। और डालने के बाद अब हम इसे चलाते रहेंगे, चलाने के बाद जब तक भुन नहीं जाता तब तक हम इसमें चने नहीं डालेंगे। और चने डालने के बाद जब मसाला भुन जाएगा खूब, तो इसमें चने डालने के बाद फिर हम इसको कड़छी से इसी तरह से चलाते रहेंगे, पानी ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। और इसमें अब मैं डालूँगी चने, पहले थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी। तो हरा धनिया इसमें थोड़ा सा ये खुशबू के लिए डाल दिया है मैंने, और बाद में डालूँगी। और फिर मैं इसको मसाले को थोड़ा सा और चलाऊँगी तो ये मसाला हो जाएगा तैयार। इसके मसाले को क्योंकि इसमें टमाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो भूनने में बहुत देर लगती है, लेकिन ये छोले जो हैं बहुत अच्छे बनते हैं। इस तरह से बनाओ तो ये छोले बहुत अच्छे बनते हैं। और ये छोले का मसाला तैयार करने के बाद मैं इसमें डालूँगी छोले, ये देखिए सफ़ेद वाले चने जो होते हैं, ये डाल दिए मैंने अब इसमें चने। और मैं इसे चलाती रहूँगी। चने जो बॉयल्ड किए थे उसका जो पानी था, तो ये उस पानी को ही मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी थोड़ा इसे उबालने के लिए। ये इस तरह से भुन के हो रहे हैं, देखिए तैयार। आँच इस समय मैंने स्लो कर रखी है। और मसाले को इसमें चनों में मैं पूरी तरीके से मिला दूँगी, देखिए इस तरह से। बहुत स्वाद बनते हैं इसमें, जो खुशक चने होते हैं उसको हम ब्रेड से और बंद से खाते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो खाएंगे हम कल सवेरे। ये इस तरह से, ये देखिए ये अपने आप ही थोड़ी देर में काले हो जाएंगे। और ये लगभग तैयार हो गए, मैं इसके ऊपर डाल दूँगी अब हरा धनिया। ये हो गए हमारे चने तैयार। इतना रंग इसमें क्लियर नहीं आता है ना मोबाइल में, ये वैसे बहुत काले लग रहे थे लेकिन इसमें नहीं दिखाई दे रहे थे। और खुशक वाले भी मैं आपको दिखाऊं, ये तो थोड़े रसे के हैं, खुशक वाले भी बन के तैयार हो गए, वो इस तरह से हो गए। ये रखे हैं, ये इस तरह से हमारे चने हो गए हैं तैयार। और इसके साथ मैंने तैयार किया मूँग की दाल की कचौड़ियाँ, ये खुशक वाले हैं देखिए, ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। बूंदी का रायता बनाया है इसके साथ हमने। और हमने प्याज काटी है छोटी छोटी चेकदार, वो हम छोलों के ऊपर डाल के खाएंगे, बहुत स्वाद लगती है। ये बथुए का रायता है थोड़ा सा, ये भी बनाया है हमने। ये हरे धनिया की चटनी बनाई है। और ये तो मैं यहाँ के आकर लेट गई हूँ, मैंने सोचा थोड़ी देर लेट कर ही बात कर लें, बहुत ज़्यादा थकावट सी लग रही थी, मैंने कहा चलो लेट के बात करते हैं थोड़ी देर। फ्रेंड अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कुछ नहीं कहते क्या बात है, और वॉच टाइम ऐसे मेरा नहीं बढ़ पाएगा। एक सपना होता है ना हर इंसान का, कुछ बनने का, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, अपने आप को प्रूव करने का, मेरा भी वही सपना है। और मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ मिलकर शायद मेरा ये सपना पूरा हो जाए।
तो पता नहीं होगा नहीं होगा, कोशिश तो मैं कर रही हूँ, और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो तूफान से डर जाए वो नैया कभी पार नहीं होती, पक्की बात है ना। तो मैं कोशिश करती रहूँगी, आप लोगों से बार बार मैं यही कहूँगी, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे जो नए हैं। अगर वीडियो देखते हैं आपको अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत भी अगर अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कैसी लगती है आपको, कैसी नहीं, हमें पता तो चले कम से कम। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कोरोना देखिए फिर से पैर फैला रहा है, आप लोग भी ज़रा बच कर रहिएगा, बाहर जाइए तो मास्क वगैरह लगा के सैनिटाइज़र साथ लेकर जाइएगा, किसी चीज़ को छूइए मत, कोशिश कीजिए दूर रहने की, और जब बहुत ज़रूरी है तभी बाहर जाए। हम लोगों ने तो बस अब अपने आप को समेट लिया है, अब हम घर का सामान भी ज़्यादातर तकरीबन हम बहुत जल्दी इकट्ठा ले आते हैं, जो 1.5-2 महीने चल जाता है इस हिसाब से ले आते हैं। ये बाज़ार के चक्कर अभी इस बच्चे के होने की वजह से कट रहे थे, अब ये भी बंद कर देंगे हम लोग। और आप लोग भी प्लीज़ बाहर जब ज़रूरत हो तभी निकलें, नहीं तो ना निकलें, अपने गली मोहल्ले में रहें, एक दूसरे का ध्यान रखें, जहाँ भी आप लोग रहते हैं, कॉलोनी में, सोसाइटी में, जहाँ भी रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखें, कोरोना से बच के रहें। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, टेक केयर।